नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ हितेश व्यास। 10 बजे रात पूरे दिन की बात के साथ हम हाजिर हैं, जहां पर दिन भर की तमाम अहम खबरें मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की समेट कर आपके लिए इस बुलेटिन में हम लेकर आते हैं। तो करते हैं खबरों का, और सबसे पहले बात करते हैं मध्य प्रदेश की, जहां पर सीधी पेशाब कांड के बाद छतरपुर जिले में मैला कांड सामने आया। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है, लेकिन इस पूरी घटना ने एक बार फिर से सियासी उबाल ला दिया। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने बीजेपी सरकार को घेरा, तो बीजेपी ने खड़गे को कांग्रेस शासित राज्यों के अत्याचार याद दिला दिए। स्क्रीन पर दिख रही ये दो तस्वीरें मध्य प्रदेश को शर्मसार कर रही हैं। सीधी में हुए पेशाब कांड के बाद अब छतरपुर जिले में मैला कांड सामने आया है। दो दोस्तों में विवाद को लेकर अनुसूचित जाति वर्ग के मजदूर के ऊपर मैला फेंकने की घटना सामने आई है। शिकायत मिलते ही पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। पीड़ित के अनुसार गांव में मनरेगा के तहत नाली निर्माण का काम चल रहा था, तभी पीड़िता ने मजाक में आरोपी युवक को थोड़ा सा ग्रीस लगा दिया। इसके बाद आरोपी ने पीड़िता के शरीर पर मैला लगा दिया और गाली गलौज भी की गई। पंचायत में शिकायत हुई तो पीड़ित के ऊपर ही जुर्माना लगा दिया गया और इसके बाद थाने में शिकायत दर्ज कराई गई। नाली निर्माण का काम चल रहा था ग्राम पंचायत की तरफ से, तो मैं वहां काम कर रहा था, तो एक ग्राम कृपाल पटेल था, उधर सभी लोग लगे थे, 10-12 लोग काम पर भी लगे हुए थे, तो लोग इसे थोड़ा सा गिरी से टट गया, तो उन्होंने तो गालियाँ दी। अच्छा, वो मेला उन्होंने आपके शरीर में डाल दिया। जिसके आधार पे लोगों को बुलाकर के और भी लोग थे वहाँ पे जो काम कर रहे थे, उनके स्वतंत्र साक्षी को उनके कथन काटे गए हैं और इस संबंध में विधिवत कार्रवाई की जा रही है, उसके संबंध में फरियाद दर्ज की है। छतरपुर की ये घटना दिल्ली तक पहुंची और कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने ट्वीट कर एमपी सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने लिखा कि मध्य प्रदेश में एक महीने में ही दलित आदिवासी अत्याचार की दूसरी बेहद निंदनीय वारदात हुई है, जो मानवता को शर्मसार कर देने वाली है। उन्होंने एनसीआरबी रिपोर्ट का हवाला देते हुए लिखा कि भाजपा शासित मध्य प्रदेश में दलितों और आदिवासियों के खिलाफ अपराधों का रेट ज्यादा है। इस पर बीजेपी अनुसूचित जाति मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष लाल सिंह आर्य ने पलटवार करते हुए कहा कि खड़गे को दलितों पर होने वाले अत्याचारों की जानकारी नहीं है। सबसे ज्यादा अपराध कहीं घटित हो रहे हैं तो वो राजस्थान में कांग्रेस की गवर्नमेंट में हो रहे हैं, नंबर वन। नंबर टू, अनुसूचित जाति के प्रमाण पत्र बनाने में झारखंड में जहाँ गठबंधन में कांग्रेस है और छत्तीसगढ़ में जहाँ कांग्रेस की सरकार है, वहाँ दलितों के आदिवासियों के जाति प्रमाण पत्र भी नहीं बन रहे हैं। कुल मिलाकर कांग्रेस की गवर्नमेंट जहाँ भी है, आप नेशनल क्राइम ब्यूरो की रिपोर्ट उठा लीजिए, सबसे ज़्यादा अपराध वहाँ हो रहे हैं। क्या साधेंगे जातिगत समीकरण? इनके पास क्या जवाब है बलात्कारों को लेकर? इनके पास क्या जवाब है कानून व्यवस्था को लेकर? इनके पास क्या जवाब है बेरोजगारी को लेकर? इनके पास क्या जवाब है माफियाओं के राज को लेकर? यानी एमपी में आदिवासियों दलितों की आड़ में जोरदार चुनावी सियासत चल रही है। कांग्रेस बीजेपी सरकार को एससी एसटी विरोधी बताते हुए कटघरे में खड़ा कर रही है, तो वहीं भाजपा कांग्रेस शासित राज्यों में हो रहे अपराधों पर आईना दिखा रही है। विवेक पटैया, IBC 24, भोपाल। मणिपुर में दो दलित महिलाओं के चीरहरण से इंसानियत शर्मिंदा होने के बाद पूरा देश गुस्से में है। इस गुस्से की आग मणिपुर से छत्तीसगढ़ के बस्तर तक पहुंची है। दलित महिलाओं पर अत्याचार के खिलाफ सर्व आदिवासी समाज ने आज बस्तर संभाग बंद का ऐलान किया था। करीब 2.5 महीने से मणिपुर हिंसा की आग में जल रहा है। दो समुदायों के बीच झगड़े और बवाल से अराजकता का माहौल है। इंटरनेट बंद के बीच यहां से आए कुछ वीडियो ने पूरे मानव समुदाय का सिर झुका दिया है। दो दलित महिलाओं के चीरहरण के वीडियो देखने के बाद पूरे देश का गुस्सा भड़क गया। आदिवासी महिलाओं के साथ हुए अत्याचार पर छत्तीसगढ़ के सर्व आदिवासी समाज के एक धड़े ने आपत्ति जताते हुए सोमवार को बस्तर संभाग बंद कर दिया। इसे बस्तर चैम्बर ऑफ कॉमर्स का समर्थन मिला, जिसका असर पूरे बस्तर में दिखा। हम चाहते हैं कि इस तरीके के दोषियों पे जल्द से जल्द कार्रवाई हो और उन्हें सजा दिया जाए। एक मानव जाति के लिए एक शर्मनाक घटना है। इस पर जो भी दोषी हैं, जल्द से जल्द कार्रवाई होनी चाहिए। इनको पकड़ के जनता के हवाले कर देना चाहिए या फिर इनको त्वरित फांसी देना चाहिए।
जगदलपुर, दंतेवाड़ा, कांकेर, बीजापुर, नारायणपुर, सुकमा, भानुप्रतापपुर, अंतागढ़, भोपालपट्टनम, भैरवगढ़, मदेड़ और आवापल्ली जैसे इलाकों में दुकानें पूरी तरह से बंद रहीं, लेकिन मेडिकल स्टोर, पेट्रोल पंप और स्कूल कॉलेज खुले रहे। सर्व आदिवासी समाज की ओर से मणिपुर में हुई शर्मनाक घटना के विरोध में रैली निकाली गई। दोपहर 2 बजे तक बंद के बाद केंद्र सरकार और मणिपुर की राज्य सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करते हुए राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा गया। उन महिलाओं को इंसाफ दिलाने के लिए आज हम लोगों ने ये बंद का आह्वान किया है। सरकार में जो राज्य में है, जो केंद्र में है, उनको जवाब देना पड़ेगा। सरकार चुप्पे साधी हुई है, उसके विरोध में हम लोग आज बस्तर बंद, पूरे छत्तीसगढ़ बंद का आह्वान किए। मणिपुर हिंसा को लेकर केंद्र और वहां की राज्य सरकार पर लग रहे आरोपों का जवाब देते हुए भाजपा के नेताओं ने पश्चिम बंगाल में होने वाली हिंसा का मुद्दा उठाया। उनका कहना है कि हिंसा को देखने का दोहरा रवैया ठीक नहीं है। बंगाल के घटना के बारे में कुछ नहीं बोले, आजकल नया नया यारी दोस्ती हो है। जो राजस्थान के घटना है तो राजस्थान के घटना के बारे में कुछ मई बोले। यहाँ कोई चीज होत है या कांग्रेस शासित राज्य मन में कुछ होते है तो बारे में कुछ नहीं बोले, और आने जगह होते तो वहाँ तड़कड़ा के वो बोलना चालू कर देते। एक दोहरा मापदंड है। बस्तर बंद हुआ है क्योंकि मणिपुर में 2 गुट मिलकर वह लड़ाई चल रहा है। भारत सरकार सुध नहीं ले रहा है। हमारे देश का नेता राहुल गांधी जी वहाँ जा के आया है, लोकसभा में उसका चर्चा नहीं हो रहा है और उनको कोई रात वहाँ नहीं मिल रहा है। मणिपुर हिंसा को लेकर भड़की गुस्से की आग जल्द बुझती नजर नहीं आ रही है। सियासी फायदे के लिए इस गुस्से की आग को और भड़काने का खेल भी चल रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, IBC 24। मध्य प्रदेश सरकार अब गौशालाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए बड़े प्लान के साथ मैदान में आने वाली है। प्लान यह है कि अब प्रदेश की 21,000 से ज्यादा पंचायतों में गौशालाओं से नर्सरी गोबर खरीदा जाएगा। इससे सीधे तौर पर शासन को 250 करोड़ का फायदा होगा, तो वहीं इस दिशा में शुरुआती दौर में उद्यानिकी विभाग ने काम भी शुरू कर दिया है, लेकिन कांग्रेस को बीजेपी की कवायद में कुछ खास दम नजर नहीं आ रहा। मध्य प्रदेश का उद्यानिकी विभाग इन दिनों अलग तरह की योजना पर काम कर रहा है। प्लानिंग यह है कि मध्य प्रदेश की सरकारी नर्सरियों के लिए गौशालाओं से गोबर खाद की खरीदी की जाएगी। इस प्लानिंग के अमल में आने के बाद 21,000 पंचायतों में स्थापित गौशालाओं को लगभग 250 करोड़ रुपए का सीधा फायदा हो सकेगा। इसके लिए विभाग ने कुछ नर्सरियों और गौशालाओं के बीच अनुबंध प्रक्रिया पर काम शुरू किया है। उद्यानिकी विभाग की यह प्लानिंग सफल रही तो न सिर्फ गौवंश संरक्षण में मदद मिलेगी बल्कि बड़ी गौशालाओं पर हो रहे खर्च में भी 5 करोड़ रुपए तक का भार कम होगा। गौशाला का उपयोग, खाद का उपयोग, गोबर का उपयोग उद्यानिकी की फसलों को करेंगे तो उद्यानिकी के माध्यम से जो गौशाला पे व्यय होगा उसमें हम मिलके उस गौशाला को अच्छी तरह से तैयार करके उसका पूरी तरह से उपयोग जैविक खेती के लिए करने के लिए हम प्रयास कर रहे हैं। लेकिन कांग्रेस कह रही है कि गौशालाओं पर काम तो कमलनाथ सरकार ने किया था, शिवराज सरकार ने तो गाय पर मिलने वाली राशि में कटौती करने का काम किया है। भारतीय जनता पार्टी ने 70 सालों तक आंदोलन किया था कि हमारी सरकार आएगी तो गौ माता को राष्ट्रीय पशु बनाएंगे। प्रदेश में भी सरकार है, केंद्र में भी सरकार है, पूरी भारतीय जनता पार्टी तैयार है, तो गौ माता को राष्ट्रीय पशु भी नहीं बनाया जा रहा है। 2-3 महीने बाद चुनाव है तो भारतीय जनता पार्टी की ये सारी नौटंकी चल रही है। दरअसल देश में कई राज्य गौशालाओं के विकास और गौवंश के संरक्षण के लिए अपने अपने स्तर पर काम कर रहे हैं। यूपी और पंजाब ने शराब और सिगरेट पर मिलने वाले टैक्स का कुछ हिस्सा गौवंश के लिए खर्च करना शुरू किया है, तो छत्तीसगढ़ में गोबर की खरीदी कर उससे जैविक खाद तैयार की जा रही है। इससे मिलने वाली राशि गौ संरक्षण पर ही खर्च हो रही है। इसी तरह राजस्थान में शराब और स्टाम्प विक्रय पर लगने वाले टैक्स का कुछ हिस्सा गौ संरक्षण पर खर्च होता है। अगर ऐसा ही प्लान मध्य प्रदेश में तैयार होता है तो गौशाला समृद्ध होंगी, साथ ही सड़कों पर गौवंश नहीं दिखेगा। नासिर गौरी, IBC 24, ग्वालियर। इधर छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव काफी नजदीक है और ऐसे में राजनीतिक दलों के आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला तेज है। भाजपा ने प्रदेश सरकार पर गोबर खरीदी में लगभग 229 करोड़ रुपए के घोटाले का आरोप लगाया है।
भाजपा विधायक सौरभ सिंह के मुताबिक गोबर खरीदी को लेकर सरकार ने स्पष्ट आंकड़े उपलब्ध नहीं कराए। गौधन न्याय योजना के तहत सरकार ने 246 करोड़ रुपए का गोबर खरीदा और वैल्यू एडिशन करने के बाद लगभग 17 करोड़ रुपए का उत्पाद बेच दिया, लेकिन बाकी के 229 करोड़ रुपए के गोबर का क्या किया गया इसकी कोई जानकारी नहीं दी गई। वहीं इन आरोपों पर कांग्रेस ने भी अपना पक्ष रखा। कांग्रेस का कहना है कि ये राशि किसानों के खाते में गई है। गोधन न्याय योजना के अंतर्गत उन्होंने 246 करोड़ का गोबर खरीदा, 229 करोड़ रुपए का उनके पास कोई हिसाब नहीं है। माननीय मंत्री जी को हमने कई बार पूछा कि भाई वो 229 करोड़ रुपए कहाँ गया, ये जो 400 करोड़ से ऊपर गए हैं वो किसी के अब्बा के पॉकेट में नहीं गए हैं, वो हमारे जो छोटे छोटे गौ पालक है उनके डायरेक्ट जो उनका जो ट्रांजेक्शन है उनके खातों पर हुआ है। जाके भारतीय जनता पार्टी के लोग जाके चेक करें वो 400 करोड़ कहाँ गया है, कहाँ का भ्रष्टाचार हुआ है। इस वक्त रायपुर से एक और बड़ी खबर दिखा रहे हैं, जहां पर छत्तीसगढ़ पुलिस के 36 डीएसपी का तबादला किया गया है। गृह विभाग की तरफ से ये तबादलों का आदेश जारी किया गया है। तो पुलिस विभाग में बड़े फेरबदल किए गए हैं। छत्तीसगढ़ पुलिस के 36 डीएसपी का तबादला किया गया है। गृह विभाग ने इसके संदर्भ में आदेश जारी किए हैं। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान महाकाल नगरी उज्जैन पहुंचे। सीएम अपने परिवार के साथ में बाबा की शरण में पहुंचे। बाबा महाकाल से आशीर्वाद लेने के बाद मंदिर परिसर में सभी प्रमुख मंदिरों में दर्शन किए। इस दौरान सीएम ने कहा कि बाबा से प्रदेश की खुशहाली की कामना वो करते हैं। अपने दौरे के दौरान सीएम ने महाकाल लोक को लेकर दूसरे देश के निर्माण कार्य के अधिकारियों से भी जानकारी ली। महाकाल महाराज की जय हो, उनकी कृपा पूरे प्रदेश की जनता पर हो, उनकी कृपा पूरे प्रदेश पर बरसे, देश पर बरसे, सब सुखी हो, सब निरोग हो, सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो, यही उनके चरणों में प्रार्थना है। अभी अभी शाम को देखेंगे। तो इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन खबरें और अपडेट्स का सिलसिला आगे भी लगातार जारी रहेगा। नमस्कार।